कोलकाता शहर में शाहीन बाग की टीम भी आई हुई है और हमारे साथ यहाँ पर आर अंबेडकर जी भी आए हुए हैं, तुषार गांधी जी भी आए हुए हैं और दबंग दादी जी भी आई हुई हैं। आइए उनसे हम मिलाने की आप कोशिश करते हैं, उनके बारे में आपको आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये जो CA है ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है और इस देश का जो संविधान है, इस देश के संविधान इस देश में सभी लोगों को इक्वलिटी देता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि किसी की जाति या किसी का धर्म देखकर न्याय नहीं होगा इस देश में। उसी तरह का ये जो CA बना है, ये CA जाति और धर्म के देखकर नागरिकता देने की बात करता है और इसलिए हम लोग इसको पूरी तरह से बर्खास्त किए बगैर हम लोग इस देश में आंदोलन अपना पीछे नहीं लेंगे। कोलकाता में इतना बड़ा रैली हुआ है, इस पर आपका क्या कहना चाहते हैं? देखो, कोलकाता के लोग हो या पूरे देश भर के लोग हैं, उनके केवल कोलकाता में नहीं, पूरे देश भर में CA NRC NPR का विरोध हो रहा है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, भारत सरकार को कहना चाहता हूँ, पूरा देश अगर इस कानून के खिलाफ है, सभी लोग इसके अगेंस्ट में रास्तों के ऊपर है, तो देश के संसद को ये क्यों ज़बरदस्ती ये कानून हमारे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं? आज देश के संसद यानी पार्लियामेंट वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंडिया ऐसा माहौल है, लेकिन फिर भी पार्लियामेंट में बैठे हुए एक या दो जन जो पार्लियामेंट को चला रहे हैं वो लोग अपनी बात को पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए हम भी कहना चाहते हैं, अगर आप एक कदम पीछे नहीं हटने वाले हो तो हम 4 कदम और बढ़ाएंगे और पूरे देश भर में शाहीन बाग बनाएंगे। कानून, काला कानून, इस पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? चाहिए कि उन्होंने रोलबैक होना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्रजा की रजामंदी ना हो वैसा कानून बेमायने होता है। उसमें जो उनका मकसद है वो कभी हम कामयाब होने नहीं देंगे, इसलिए ऐसा कानून पहले तो बनाना नहीं चाहिए था और अब बनाने की गलती कर दी है तो गलती मान के सुधार। 1 मार्च को अमित शाह कलकत्ता आ रहे हैं, तो क्या लगता है वो क्या यहाँ क्या कहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि वो तो नफरत लेके आएंगे और कलकत्ता ने उनकी मोहब्बत का पाठ सिखाना चाहिए। तो आपको शाहीन बाग में, कलकत्ता के शाहीन बाग पार्क सर्कस में आगे कैसा लगा? बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है और ये तसल्ली है कि यहाँ भी माँ बेटियाँ अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। केस लगा बढ़िया लगा हमें, और आप कलकत्ता में आई हैं और बताओ यहाँ पर कलकत्ता में मतलब शाहीन बाग में आप गई हैं तो आपको कैसा लग रहा था? हमें शाहीन बाग भी अच्छा लगा और यहाँ भी हमें शाहीन बाग ही लगा। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? हम तो जो कहना चाहे क्या तस्वीर है, जब तक NRC और CA को वापस नहीं लिया जाएगा आप लोग का धरना चलता रहेगा शाहीन बाग में। ये जो काला कानून चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, करीबन 40 से 50 दिन हो गया शाहीन बाग में, तो इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, शाहीन बाग का आंदोलन जो है वो CA NRC और NPR तीनों के खिलाफ जो है शुरुआत से, और CA को लेकर हमारी बड़ी स्पष्ट राय है। हम ये समझते हैं कि CA जो है वो हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ है, प्लूरिज्म के ख़िलाफ़ है, और CA जो है वो एक बायसनेस है जो आर्टिकल 14 का सीधा सीधा उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 जो है इक्वालिटी की बात करती है और CA जो है वो उसी का उल्लंघन कर रहा है। दूसरी बात ये है कि धर्म के बुनियाद पर कोई भी आप कानून हिंदुस्तान में नहीं बना सकते। 1955 का जो सिटीजनशिप चार्टर एक्ट है उसमें बदलाव करके उन्होंने सब सेक्शन सी क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर 2 में जो पॉइंट जोड़े हैं वो सीधा सीधा जो है NRC और NPR में फंसने वाले जो गरीब, पिछड़ी जाति, दलित और मुसलमान, उनके लिए वो परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए हम CA की जो है वो मांग करते हैं कि CA को वापस लिया जाए। अन्यथा दूसरा काम ये हो सकता है
कि जिन लोगों को प्रताड़ित लोगों को देना है, जिसमें 36,752 लोग हैं जिसको हिंदुस्तान की सरकार ने 2014 31 दिसंबर तक सूचित कर रखा है, उन सब लोगों को आप 2 महीने के मियाद के अंदर दे दें नागरिकता, उसके बाद ये वापस ले लें, उसकी फिर ज़रूरत तो नहीं होगी ना सीए के। लेकिन इनकी नीयत अच्छी नहीं है, ये चाहते हैं कि आगे इनका पूरा चलता रहे प्रोपेगेंडा, इसलिए सीए वापस होना चाहिए। दूसरा, एनआरसी की कोई मंशा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश में एनआरसी हो, तो इसलिए एनआरसी नहीं होगी, इसकी गारंटी लिखित में होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि एनपीआर जो पुराने फॉर्मेट में 2010 से जो चला आ रहा है, हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि नया नोटिफिकेशन आप वापस लें और पुराने फॉर्मेट में चलाएं, क्योंकि नया जो एनपीआर है वो एनआरसी से डिराइव्ड है और वो बहुत मुश्किल पैदा करने वाली है। इसलिए हम पूरे देश में हमारी शाहीन बाग की टीम आपसे जो निकली है केरला से होते हुए कलकत्ता और हम मुंबई जा रहे हैं, वो पूरे देश के 16 राज्यों का दौरा करके हर जगह एनपीआर के बहिष्कार के लिए अभियान चला रही है। जिस कड़ी में हम आज कलकत्ता आए थे, और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से लाखों लोगों ने हमारी बातें सुनी यहाँ पे और जैसा एक मैसेज गया है और ग्राउंड लेवल पे जो वर्क हो रहा है, मुझे लगता है कि एनपीआर के जो विरोध में हिंदुस्तान की 70% जनता आ चुकी है। अब ये एनपीआर अगर ख़त्म हो गया तो एनआरसी नहीं हो सकता शेड्यूल 6 के मुताबिक, और एनआरसी और एनपीआर नहीं होगा तो सीए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी हमें चोट ऐसी जगह मारनी है जहां सरकार को सबसे ज्यादा दर्द हो, उसके लिए शाहीनबाग कमर कस चुका है और हम झुका के रहेंगे सरकार को। आप देखते रहिए। आपका नाम? मेरा नाम शोएब जामई है और हम शाहीनबाग आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए हैं। बाकी आप लोग मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं।